मुकाबले से नहीं डरता, वजीर आजम से जल्द मुलाकात होगी। वजीर आजम से ताल्लुक कमजोर नहीं होना चाहिए। इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तो नून लीग ने मेरे कारोबार की छानबीन करके नोटिस भेजे। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। जहांगीर तरीन की बैंकिंग को लाहौर के बाहर मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमा की 30 अराकीन असेंबली के हमरा अदालती पेशी। अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत होगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कुछ देर में समाप्त करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। असासा जांच केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशियल रिमांड में 6 मई तक तौसी। ख्वाजा आसिफ से आसिफ हाशमी की मुलाकात। कोरोना के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने आसिफ हाशमी को लीग रहनुमा से हाथ मिलाने और गले मिलने से रोक दिया। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां, 24 घंटे में मजीद 98 अफराद जान से गए। एक दिन में 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में खतरे की घंटी बज गई। मजीद 37 अमवात, मुस्बत केसेस की शरह 10.16% रही। सऊदी एयरलाइंस का 17 मई से इंटरनेशनल परवाजें शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान भारत समेत 20 मुल्कों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मरियम नवाज का कहना है, कोयटा धमाके में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए दिल बहुत रंजीदा है। हमारी धरती का अमन एक बार फिर खतरे में है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में मतलब आलूद। कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में यालाबारी का इम्कान। कराची का मौसम बदस्तूर गर्म, पारा 38 डिग्री तक जाएगा।